इंटरनेशनल माइग्रेशन, यूएन रिलीज इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट करता है, यूएन रिलीज इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट। तो यूनियन रिलीज इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो होता है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडियन डिस्पोरा इज द लार्जेस्ट डायस्पोरा जो है इंडियन लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मोर देन 18 मिलियन पीपल फ्रॉम इंडिया लिविंग आउटसाइड द इंडिया। सो अदर डिस्पोरा कंट्रीज आर मैक्सिको, चाइना, रसिया एंड साइरिया, ये तीन इसके बाद कंट्री हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडियन डिस्पोरा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी मेजर कंट्रीज सच एज UAE 3.5 मिलियन, सऊदी अरबिया 2.5 मिलियन एंड यूनाइटेड स्टेट 2.7 मिलियन। सम अदर कंट्रीज दैट रिसीव हाई नंबर ऑफ इमाइग्रेशन एंड ओमान, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, कनाडा, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम। तो बिटवीन 2000-2020 साइज ऑफ इमिग्रेशन पॉपुलेशन ऑल कंट्रीज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द टेन्योर रिसीव लार्जेस्ट गेन नियरली 10 मिलियन। इंडिया इज अ फॉलोड क्लोजली बाई साइरिया, वेनेजुएला, चाइना एंड फिलीपींस। द प्लेसेज वेयर इमिग्रेंट पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर यूक्रेन, पाकिस्तान, तंजानिया, आर्मेनिया एंड यूक्रेन। तो इमिग्रेशन ऑफ इंडिया इज फॉर लेबर एंड फैमिली रीजन। द यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन कंट्री फॉर इंटरनेशनल इमिग्रेशन एट 2020 देयर आर मोर देन 51 मिलियन इमिग्रेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। दिस इज इक्विवेलेंट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स इमिग्रेटेड पॉपुलेशन। द यूनाइटेड स्टेट इज क्लोज बिहाइंड जर्मनी, हैज होस्टेड सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेट इन द वर्ल्ड। टोटल इमिग्रेंट पॉपुलेशन द यूनाइटेड स्टेट क्लोज बिहाइंड जर्मनी, होस्टेड द सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट इन द वर्ल्ड विद द इमिग्रेशन पॉपुलेशन मोर देन 16 मिलियन। जर्मनी इज अ क्लोजली फॉलोड बाई सऊदी अरबिया, रसिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इंक्रीज बाई 281 मिलियन वाज 221 मिलियन इन 2010 एंड 170 मिलियन इन 2000। इतना था हमारा माइग्रेशन रिपोर्ट बात करते हैं। तो करेंटली टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल इमिग्रेशन अकाउंट 3.6% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। टोटल जो इमिग्रेशन है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3.5% है। इन टर्म ऑफ रीजन माइग्रेशन कॉरिडोर सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया हैव बीन मोस्ट ग्रोथ। ये सारे मोस्ट ग्रोथ हैं। दिस कॉरिडोर इमिग्रेंट पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड बिटवीन 2000 से 2020। अब बात करते हैं दोस्तों एरो इंडिया लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर। एरो इंडिया जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा किया गया, डिफेंस मिनिस्टर। तो इंडिया 21 एविएशन ऐप वाज लॉन्च बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। मोबाइल एप्लीकेशन विल बी सर्व एज अ कन्वेंस इंटरेक्टिव एंड इंटरफेस ऑल क्वेश्चंस हैज फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग इंडियन एविएशन अटेंडेंस। तो एरो इंडिया इज अ बेनियल सो व्हिच वाज हेल्ड इन बेंगलोर, ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस। दिस ईयर एरो इंडिया थीम इज रनवे फ्रॉम 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया 21 इज द फर्स्ट मिक्सड इवेंट बिजनेस एलिमेंट्स विल अकर बोथ फिजिकली एंड वर्चुअली। फर्स्ट एडिशन ऑफ एरो इंडिया वॉज हेल्ड इन मिक्सड इवेंट एंड बिजनेस एलिमेंट फर्स्ट इंडियन एरो इंडिया वॉज हेल्ड इन ईयर 96। एरो इंडिया 21 एयरक्राफ्ट विल बी कंसिस्टेड विद 2020 एयरक्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। द नेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1981। डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश बाय प्रमोट एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री। नेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन सच एज डेफेक्सपो। तो नेशनल डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करें तो है पॉलिसी ड्राफ्ट। तो करंटली द स्केल ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री 80 बिलियन रुपीज एमंग देम पब्लिक सेक्टर एंड करंटली द स्केल ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री 80 बिलियन रुपीज एमंग देम। तो पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट 63 बिलियन रुपीज़, प्राइवेट सेक्टर 17 बिलियन रुपीज़ एंड एम्स टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट ऑन द हेल्प ऑफ इंडिया अचीव आत्मनिर्भर गोल्स। द मेन गोल ऑफ पॉलिसी, जो मेन गोल है पॉलिसी का
175 बिलियन रुपी बाई 2025। सो इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट आप 300, जिसमें एक्सपोर्ट है जो 350 बिलियन रुपीज़ हैं। द पॉलिसी एम टू रिड्यूस, जो पॉलिसी का एम है, क्या एम है, रिड्यूस डिफेंस इम्पोर्टेंस इम्पोर्ट्स एंड प्रमोट टू मेड इन इंडिया, मतलब जो सारे चीज़ें हैं वो इंडिया में ही बने। लिस्ट ऑफ निगेटिव वीपन्स वाज नोटिफाइड एंड द पॉलिसी टारगेट टू अपडेट लिस्ट ऑफ लीस्ट वन ईयर। अब जो टारगेट अपडेट करने का, एक साल में अपडेट होता रहेगा। कंट्री टू डिफेंसिव कॉरिडोर, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। दो डिफेंसिव कॉरिडोर है, एक तमिलनाडु है, दूसरा उत्तर प्रदेश है। तो अब बात करते हैं इंडिया फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज की। तो इंडिया और फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज होल्ड एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज हुआ। दिस बायलेटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में हुआ, जो कि 21 विल बी जोधपुर राजस्थान प्राइटर पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडो फ्रेंच डिफेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंच एयरफोर्स हैज इंडिया एयरफोर्स हैव सो फार कंडक्टेड 6 एयर एक्सरसाइजेज कॉल्ड ईगल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईगल बोलते हैं। लास्ट 6 एक्सरसाइजेज वाज हेल्ड इन मॉन्टेल मॉर्सन एयरफोर्स बेस इन फ्रांस। द एडिशन ऑफ गेरुडा सीरीज एक्सरसाइज डेजर्ट फ्रॉम नाइट 21, इट विल बी हेल्ड अबाउट फार्मर डेजर्ट राइडर 21, द मेन पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज टू प्रोवाइड। अब इंडिया फ्रंट एक्सरसाइज में बात करें तो ऑपरेशन रिस्क एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, राफेल फ्लाइंग फ्रॉम द फ्रेंच एरोस्पेस एजेंसी एंड मल्टी पर्पज टैंकर्स। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अप्रोक्सीमेटली 175 पर्सनल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज SU-30 मायरेज मिराज 2000 IL-78 फ्लाइंग टैंकर्स फ्रॉम इंडियन फोर्स विल बी पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। मतलब ये हथियार, ये जो मेरा पार्टिसिपेट करेंगे जो हथियार जो हैं, SU-30 MKI मिराज 2000 एंड IL-78 ये सारे करेंगे। तो रेगुलर डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एज फॉलो। शक्ति एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच फोर्सेज। वरुणा एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया नेवी एंड फ्रेंच नेवी। गरुड़ा एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन टू एयरफोर्स। और थ्री मेन पिलर्स ऑफ द इंडियन फ्रांस पार्टनरशिप स्पेस की बात करें तो गरुड़ा, तो थ्री मेन्स बात करें, थ्री फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्पेस डिफेंस एंड सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। ये तीन मेन्स जो पिलर्स हैं ये हैं। तो फ्रांस हैज सपोर्टिंग इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रांस हैज ऑल्सो रिसीव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम इंडियन मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम वारनास अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलियन ग्रुप न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप इंडिया ज्वाइंट वासेनर अरेंजमेंट एंड डिकम 42 मेंबर्स एडिशन ऑफ इंडिया ज्वाइंट मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम इन 2018। सिंस इंडिया इज नॉन सिग्नेटरी NPT एंड असजन ऑफ इवन वाइडली अपोज्ड। तो हमने देखा कौन कौन से एक्सरसाइज हुए पिछले और कौन कौन से मिसाइल्स हुए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और कब कब इंडिया और फ्रांस का जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हुआ था। तो हमने देखा राजस्थान में हुआ था, ये सारी चीज़ें हमने नोटिस की और देखा भी दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों दावोस एजेंडा की, जो कि समिट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अटेंडेड द दावोस एजेंडा समिट। द दावोस एजेंडा समिट ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, फोरम के द्वारा। तो ग्रेट रिसर्च इनिशिएटिव द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल बी लॉन्च ड्यूरिंग द दावोस एजेंडा समिट। द थीम ऑफ द दावोस एजेंडा समिट इन 2020 स्टॉक होल्डर बिल्ट अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। US फर्स्ट प्रायोरिटी पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट हैज काज ह्यूज कोलैप्स इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट पास्ट फ्यू ईयर्स ब्रोक सेवरल ग्लोबल एग्रीमेंट इंक्लूडिंग द पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट एंड टेन। अब बात करते हैं दोस्तों टेंशन इन ईरान, ईरान का क्या टेंशन है। तो ईरान में जो टेंशन है, अंडर द ऑथराइज ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जनरल कासिम सुलेमानी, आप लोगों ने तो देखा होगा, किल्ड बाय द US ट्रूप्स ड्रोन्स एंड अटैक। इट हैज
एग्जर्बेटेड जियो पोलिटिकल टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड ईरान, और यही हम इनका जो पॉलिटिकल टेंशन है इन दोनों के बीच है, जो सुलेमानी की डेथ कराई गई थी, मतलब जो सुलेमानी को मरवा दिया गया था तो अमेरिका ने मरवाया था। तो सिंस द कोल्ड वार रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्रेमिया, ग्रेटर प्रेशर ऑन टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड रसिया, इनके बीच। अब बात चलते हैं जो कोल्ड वार और रसिया क्रेमिया के कारण इन दोनों के बीच टेंशन चल रहा है। इन 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रपोज न्यू बायोमेडल सिस्टम, इन्होंने तो इकोनॉमिक फोरम ने एक प्रपोज किया, मतलब एक न्यू बायो बाई मॉडल सिस्टम इन्होंने किया, जो कि जिसको दाओस मीटिंग के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द मीटिंग यूजुअल दाओस एजेंडा समिट एंड अदर ऑफ न्यू बिग रिसेट इनिशिएटिव, जस्ट लाइक दाओस एजेंडा समिट द ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव बिल कन्वेंस एंड वर्ल्ड लीडर्स एंड मेनली फोकस ऑफ मैनेजिंग इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंस कोविड-19 क्राइसिस एंड बेसिकली जस्ट लाइक दाओस रिसेट इनिशिएटिव कन्वेंस वर्ल्ड लीडर मेनली फोकस ऑन मैनेजिंग इमीडिएट कोविड-19 एंड क्राइसिस बेसिकली ऑन बिग प्लान बींग लॉन्च बाय रिकवर ग्लोबल इकोनॉमी। तो दोस्तों कोल्ड वार और ऐसा चीज़ें आप जानते होंगे दोस्तों, और ईरान और यूएसए के बीच क्या तनी तना है ये भी आप जानते होंगे दोस्तों। सो अगर आगे बढ़ते हैं, वी हैव अनाउंस पार्टनरशिप विथ IHUB। आई हब मतलब क्या होता है? आई हब का मतलब वी हैव रिसेंटली अनाउंस पार्टनरशिप आई हब ऑपरेटर अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, जो गुजरात गवर्नमेंट हुई, अंडर द लीडरशिप ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट, गुजरात एंड तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर गई थी। बी हब इज सेंटर ऑफ वुमेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ बिजनेस दैट इज़ प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर वुमेंस, जो कि वुमेंस को क्या करता है, इन्वायरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टू डेवलप देयर बिजनेस, एम टू प्रोवाइड फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप सोल्यूशंस, इनोवेटिव आइडियाज, क्वालिफाइड फोकस्ड इमर्जिंग फील्ड सपोर्ट, अनडेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट, एंड जो मेन गोल है WE हब का, एलिमिनेट इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स। सो आई हब इज अ सेंटर ऑफ स्टूडेंट एंड इनोवेशन एम टू डेवलप इन टू इंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर इको सिस्टम इन गुजरात। इन एडिशन की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज सच एज फ्यूचर एडवांस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज बिजनेस गाइडेंस नेटवर्किंग एंड रेगुलेटरी कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस वॉज क्रिएटेड बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप। अब दोस्तों इंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो जो कि एक इनोवेशन पॉलिसी है जो कि गुजरात में होती है, तो द स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन पॉलिसी एम टू असिस्ट स्टूडेंट LED इंटरप्रेन्योरशिप, इट एम टू क्रिएट कॉमन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट, ये क्या करेगा स्टूडेंट के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कैपेबिलिटी टू इस्टेब्लिश इन टू इंड सपोर्ट सिस्टम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो जो पॉलिसी है ये क्या काम करती है, कंपनीज स्टूडेंट लेड इनोवेशन बेस्ड एंड इनोवेशन पॉलिसी इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप कंपनी फाउंडेड बाय मोर देन स्टूडेंट ऑफ एलुमनी जो कि नो मोर देन 5 ईयर फ्रॉम ग्रेजुएशन। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट वेयर क्रिएटेड अचीव गोल्स एंड स्टार्टअप इंडियन मोशन, तो इंडिया स्टार्टअप वेयर लॉन्च इन रेड फोर्ट, जो इंडिया स्टार्टअप जो लॉन्च किया गया था रेड फोर्ट में के ऊपर किया गया था 2015 में, और इंट्रोड्यूस कब किया गया 75th स्टार्टअप सपोर्ट सेंटर्स ऑफ द कंट्री। तो अकॉर्डिंग टू 2019 की बात करें तो इंडिया स्टार्टअप रैंकिंग गुजरात हैज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब जो इसमें जो रैंकिंग की बात करते हैं तो गुजरात सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, कर्नाटका और केरला भी जो है हाईएस्ट रेंज पर हैं। तो अब बात करते हैं बर्ड फेस्टिवल इन महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द बेस्ट बंगाल बिल ऑर्गेनाइज बर्ड फेस्टिवल हॉलीडे इज फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन बाई दार्जिलिंग के द्वारा हुआ था। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन एज द इम्पॉर्टेंट बर्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरिया, इम्पॉर्टेंट बर्ड्स आर बायोडाइवर्सिटी एरिया हैव बीन आइडेंटिफाइड स्टैंडर्ड वाइटल बर्ड प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंस फॉर बर्ड सेंचुरी कॉन्सेप्ट वाज डेवलप बाई वर्ल्ड
लाइफ इंटरनेशनल. करेंटली देयर आर 12,000 इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया इन द वर्ल्ड. कितना है दोस्तों? 12,000 है. देयर होल्ड इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी आर सेट बाय द करेस्पॉन्डिंग नेशनल रेगुलेटरी एजेंसी इन ऑर्डर टू बी इंक्लूडेड एन इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी एंड साइट्स. नेशनल रेगुलेटरी एजेंसी ऑर्डर टू बी इंक्लूडेड एन इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी द साइट मस्ट बी मीट एट द फॉलोइंग कंडीशन. A1 स्पीसीज की बात करें तो सबसे पहले हमारे जो A1, A2, A3 ये देखेंगे तो A1 में आता है हमारा स्पीसीज ग्लोबली द साइट शुड बी केप्ट IUCN रेड लिस्ट एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड बर्ड पॉपुलेशन. A2 की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड स्पीसीज हैं जो कि शुड बी एंडेमिक बर्ड एरिया हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लासीफाई एंडेमिक बर्ड एंड लिमिटेड हैबिटेड हैं. जो हमारे लिमिटेड है रिस्ट्रिक्टेड रेंज में हैं तो साइट शुड बी, देखो हमने पहले पढ़ा स्पीसीज थ्रेटेंड ग्लोबली तो ये साइट शुड बी केप्ट इन IUCN रेड लिस्ट. मतलब रेड लिस्ट मतलब खतरे पर हैं जो कि इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल हैं. A2 की बात करते हैं तो A2 रिस्ट्रिक्टेड रेंज पर हैं तो साइट शुड बी एन एंडेमिक बर्ड एरिया. द इंटरनेशनल बर्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन क्लासीफाइड एंडेमिक बर्ड एज दोज विथ लिमिटेड हैबिटेट. जो लिमिटेड हैबिटेट में है. द इंटरनेशनल बर्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड अप्रॉक्सीमेटली 2018 एंडेमिक बर्ड सेंचुरी. कितने हैं टोटल? 2018 एंडेमिक बर्ड सेंचुरी हैं. तो नेटिव सिग्नल्स जियोग्राफिकल लोकेशन एंड कैन नॉट फाउंड द एल्सवेयर. A3 बायोम की बात करें तो A3 की मतलब बायोम रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीसीज. तो हमने रिस्ट्रिक्टेड रेंज A2 में देखा, A3 में देखेंगे बायोम रिस्ट्रिक्टेड स्पीसीज की बात करें तो साइट शुड बी रिटेन रिस्ट्रिक्टेड बायोम स्पीसीज. अब द साइट शुड बी रिटेन रिस्ट्रिक्टेड बायोम स्पीसीज. द लोकेशन ऑफ शुड बी कॉन्स्टिट्यूट ए सेलेक्टेड ग्रुप अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑल स्पीसीज इन बायोलॉजिकल कम्युनिटी. इन अदर वर्ड द स्पीसीज लिविंग दैट लोकेशन शुड बी एंडेमिक एंड शुड बी ओनली फाउंड इन द स्पेसिफिक बायोम ऑफ द वर्ल्ड. अब A4 में जो आता है कंजर्वेशन होता है तो अप्लाइज ऑफ शोर बर्ड्स एंड सी बर्ड्स एंड वेट लैंड बर्ड्स एंड वाज क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस. अब यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डेंस टू रामसार कन्वेंशन. द लोकेशन ऑफ महाराष्ट्र वाइल्ड सेंचुरी बिटवीन द तिस्ता महानंदा रिवर्स एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालय. द स्टेटस ऑफ प्रोवाइड मेनली प्रोटेक्टेड इंडियन बिजन एंड रॉयल बंगाल टाइगर. अब बात करते हैं दोस्तों GI टैग फॉर गुच्ची मशरूम की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है 60 GI लेबल ऑफ गुच्ची मशरूम आर एक्सपेंसिव एंड गुड फॉर हेल्थ. जो कि प्राइसेस 500 ग्राम फॉर गुच्ची मशरूम, मतलब कितने हैं प्राइसेस दोस्तों? 500 ग्राम फॉर गुच्ची मशरूम इज 18,000 रुपीज़. मतलब आधा किलो जो है कितने है? 18,000 रुपीज़ की. GI टैग बेस प्रोवाइड द सैफ्रॉन इन जम्मू कश्मीर. GI टैग इसको मिल गया है. तो गुच्ची मशरूम इज फंगस बिलोंगिंग द मार्चिनेलस एंड फैमिली, सॉरी मार्चिलेसीज फैमिली से हैं. दे आर लाइट येलो होते हैं और लार्ज रिड्स एंड पिट्स ऑफ द हाइट. दे ग्रो ऑन द लार्ज वाइट स्टेम एंड गुच्ची मशरूम आर कॉल्ड थुंटू. इसको थुंटू के नाम से जानते हैं. तो गुच्ची मशरूम प्रीफर लाइम स्टोन बेस्ड सॉइल्स. देर आल्सो ग्रो इन एसिड सॉइल्स में ग्रो होते हैं. गुच्ची मशरूम जो होते हैं आर यूजली फाउंड इन ईयरली स्प्रिंग, कम स्प्रिंग टाइम में पाए जाते हैं. दे आर कॉल्ड मे मशरूम, इसको मे मशरूम के जानते हैं. नॉर्थ अमेरिका में फ्रूटिंग टाइम मशरूम वेरीज. अमेरिका इज फ्रूटिंग टाइम मशरूम वेरीज एंड फेब्रवरी टू जुलाई. कनाडा ओनली अपेयर्ड आफ्टर जून. ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं. तो गुच्ची मशरूम की बात करें कैन नॉट बी ग्रोन कमर्शली. दे ग्रो इन द कोनीफेरस फॉरेस्ट नॉर्थ कैंचर हिमालय एंड चामू. द कश्मीर इज टेक विलेजर्स सेवरल मंथ एंड कलेक्ट मशरूम ड्राई देम एंड ब्रेन ब्रिंगिंग देम मार्केट. गुच्ची मशरूम की बात करें तो मशरूम ग्रो इन क्लस्टर ऑन रूटिंग वुड ह्यूमस सॉयल्स एंड लीव्स ऑफ लॉक्स. दे मे नॉट ग्रो इन द सेम प्लेसेज नेक्स्ट सीजन, वो सेम प्लेसेज पर नहीं हो सकते. दिस मेक द कलेक्शन ऑफ प्रोसेस मोर कम्बर्शन एंड दिस रीजन गुच्ची मशरूम आर वेरी एक्सपेंसिव होते हैं. इसी कारण ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. गुच्ची मशरूम कैन नॉट बी ग्रोन कॉमर्सली विद देयर जर्मिनेट नेचर एंड दे जर्मिनेट ग्रो लो टेम्परेचर में ग्रो होते हैं दोस्तों.
तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोगों ने टोटल 15, जो हम लोगों ने 15 हमने क्या किया, 15 जैन से लेके हम लोगों ने 20 जैन तक कवर कर लिया है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 21 जून से, जो दोस्तों 25 जून तक हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग 25 जून से 30 जून तक कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का जितना भी क्वेश्चन आज तक हुआ है दोस्तों, तो हम लोगों का बनने वाला है टेस्ट पेपर। और टेस्ट पेपर में आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि कितना आपका आंसर, कितना आपने ऑब्टेन किया दोस्तों, ज़रूर हमें भेजिएगा दोस्तों। हम हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, A1IS नीड नाम से हमारा चैनल है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप हमारे से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा एज अ टेस्ट के रूप में। आपको 2 घंटे का टाइम, 2 या 2.5 घंटे का आपको दोस्तों टाइम दिया जाएगा, जिसमें लगभग दोस्तों 150 से 200 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो उसमें आप लोग पूरा करके हमें भेजिएगा दोस्तों, जिसमें आप लोग का मार्क्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं भी एज अ स्टूडेंट्स हूँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा है कि दोस्तों मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ। आई होप कि हमारी स्ट्रेटजी आपको अगर अच्छी लगी हो, या इसके स्ट्रेटजी में कोई कमी हो दोस्तों, तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ में ये कमी ना रहे। तो दोस्तों सपोर्ट मी एंड आई विल सपोर्ट यू। सो धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।